आप रही तो बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कोच सर ने इतनी सुबह सुबह बुलाया क्यों है, तेनू भी नहीं पता सच्ची। चल ठीक है देखते हैं, पहुंच रही हूँ मैं। ओके भाई मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अमाया अभी नहीं, किसी से मिलने जाना है, फ्रूगो फॉर अ मीटिंग, वंस आई एम बैक देन भाई। बट मेरी बात भी इंपॉर्टेंट है अमाया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समवन इज वेटिंग फॉर मी, किसी को टाइम दिया हुआ है, वापस आऊंगा उसके बाद बात करेंगे। सॉरी बंद करके चलती हो क्या? जस्ट सेकंड होल्ड, क्या घर से निकलने के और रास्ते हैं? सो यूज दैट, फॉर गॉड सेक मेरे रास्ते में फिर से मत आना। उठाओ ये सामान। गुड मॉर्निंग, आर यू इग्नोरिंग मी? Are you upset with me? Amaya, please. मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर हाँ इग्नोर जरूर कर रही हूँ। But why? मुझे ये तो बताओ मैंने किया क्या है? कुछ नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, पर मेरी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। But हम तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं ना? है नहीं थे, और Amaya तुम मुझसे दूर रहो, और सिर्फ मुझसे ही नहीं हम सबसे दूर रहो, वरना तुम्हारा भाई ना। But listen, listen. I know भाई को तुमसे apologize करना चाहिए, उन्होंने किया नहीं है। He should say sorry to you, but बात सिर्फ एक sorry या माफी की नहीं है। हम बहुत सीधे और middle class लोग हैं, और तुम high fi और अमीर, और दोस्ती ना बराबरी के लोगों में होती है। But दोस्ती तो उन लोगों से की जाती है ना जो अच्छे लगते हैं। And I like you. और प्लीज भाई की गलती का पनिशमेंट मुझको तो मत दो। I'm saying sorry to you, na. Please माफ कर दो मुझे। मुझसे माफी मांग के क्या होगा? तुम्हारा भाई बदल जाएगा क्या? नहीं, इसलिए मेरी सलाह मानो और बाबा जी से ना सच्चे दिल से दुआ मांगो कि तुम्हारे भाई को थोड़ी सी सद्बुद्धि दें, एक अच्छा इंसान बनाए, ताकि वो और इंसानों की कदर कर पाए। अब मैं कबड्डी के लिए लेट हो रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। जकारा श्रीराम वाली जी का बोल साचे दरबार की जय। देखो बोल अंबे मैया की जय, बोल शेरा वाली की जय। इनफ, बोल काली मैया की जय। तुमसे मैंने पूछा था काम हो सकता है नहीं, तुमने बोला हाँ काम हो जाएगा। किस किस काम के डिटेक्टिव हो तुम? एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? छोटू यहाँ सर के लिए ना एक ठंडी मलाई वाली लस्सी लेके आ, जा छेती जा। स्टॉप, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई लस्सी नहीं चाहिए मुझे, जो काम किया है। कुल्फी, वो पिस्ता बादाम वाली कुल्फी सर जी खाओगे ना बस, कुल्फी कुल्फी लेके आ जा। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, खड़े हो जाओ, गो बैक। और तुम लस्सी और कुल्फी के बारे में सोचना बंद करो, इस काम के बारे में सोचो, जो काम बुलाए वो होगा या नहीं। और सर जी आपने जो काम दिया है ना वो इतना आसान नहीं है। पंजाब की आबादी कितनी है आपको पता? पूरे 3 करोड़। कितनी? 3 करोड़। और आपने हमें क्या काम दिया? एक बंदे को ढूंढने का है ना, और क्लू के तौर पे दे दिया एक नाम जी पम्मी। आपको आपकी पम्मी मिल जाएगी, ऊपर पंजाब के हर दूजे घर में एक कुड़ी का नाम पम्मी है। अब आप बताओ आपकी पम्मी को ढूंढना कोई आसान काम है? So you mean to say कि तुमसे काम नहीं होगा? You won't be able to do it, right? ओ नाना सर जी, मैंने ऐसा कब कहा? माता रानी दी सौ सर जी, सोनू डिटेक्टिव ने अगर एक बार पैसे ले लिए ना काम पूरे जरूर करता है। बस आप पम्मी जी का कोई फोटो शोटो दे दो, नहीं तो उनके बारे में कोई जानकारी दो, कहाँ रहती थी या कहाँ रहती है, फिर देखना सोनू डिटेक्टिव ने ना पम्मी के सारे काले चिट्ठे खोल देने आपके सामने। मैंने तुमसे बोला किसी काले चिट्ठे को खोलने के लिए, जितना काम बोला है कम से कम उतना तो करो। ओ सर जी घबराओ ना। लिसन टू मी, अगर मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन होती ना तो मैं उसको खुद ढूंढ लेता, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती। यूज़लेस, ये जो 3 करोड़ की आबादी है ना इसमें से पम्मी को मैं खुद ढूंढूंगा, तुम ये पैसे रखो। ओ सर जी, ओ सर जी, ओ सुनो तो सही सर जी,
सर ही बता सकते हैं। पहली बात ये कि क्यों या कुछ पता चला? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। तो क्यों बुलाया इतनी सुबह? पता नहीं, जब सर ही नहीं है तो क्या होगा? गुड मॉर्निंग सर, आज इतनी जल्दी बुला लिया, एक्स्ट्रा बेड किस तरह नहीं है क्या? सबके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि मैंने आप सबको अचानक यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो मैंने आप सबको यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाया है। आज से ठीक 10 दिन बाद हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है, क्वालिफाइंग मैच। और आप सब जानते हैं कि अगर हमने ये मैच क्वालिफाई नहीं किया तो हम इस साल कबड्डी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। पर सर जी, हमें पूरा विश्वास है इस बार हम क्वालिफाई जरूर करेंगे। इतना ही नहीं, कबड्डी मैच भी जरूर जीतेंगे। मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है, इस साल का टूर्नामेंट हम जरूर जीतेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ये मैच नहीं खेल पाएगी। इसलिए तुम में से इसकी जगह कौन लेगा, यही फैसला करने के लिए मैंने तुम सबको यहां बुलाया। वो हमारी टीम की बेस्ट प्लेयर है, इसलिए उसके मैच न खेलने की वजह से हमारी टीम को थोड़ा सेटबैक तो जरूर होगा। लेकिन अगर तुम में से कोई एक उसकी जगह उससे भी बेटर ट्रेन करे तो हम वो कमी जरूर पूरी कर सकते हैं। तो बताओ, तुम में से कौन लेगा उसकी जगह? बट सर, ये तो पता चले कि जगह किसकी लेनी है। ऑफ कोर्स मीरा की। मीरा जैसी परफेक्ट प्लेयर हमारी टीम में कोई हो ही नहीं सकती। मैं? मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है मीरा, लेकिन अफसोस अब तुम ये मैच नहीं खेल पाओगी। पर सर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं मैच क्यों नहीं खेल सकती? क्या माया खा गई? कब से ढूंढ रही? क्या माया बिना? जब से इस घर में आई है लोगों की जैसी ही हो गई। पुत्र जी, अमाया मिली। ओहो पुत्र जी, आप ना ज्यादा टेंशन ना लो, भला कहाँ जाएगी, यही आसपास कहीं गई होगी, आ जाएगी। कहाँ गई होगी? पुत्र जी हौसला रखो, बीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी पैन अत्ते उत्ते गई होगी, आ जाएगी ना। कोई फायदा नहीं है, अब एक ही रास्ता है, I'll have to call the police. पुलिस को बुलाने की लोड़ है। दादी क्या क्या हुआ? घर में चोर डाकू आए, क्यों बुला रहे पुलिस को, क्या हो गया? चोर डाकू यहाँ से चिक्कू लेने आएंगे, इनकी ना बहन नहीं मिल रही है। पुत्र, तूने इसकी पेन को देखा है किधर? हाँ किधर सुबह देखा था, वो मीरा दी के पीछे पीछे जा रही थी। है? मीरा के पीछे पीछे? पर मीरा तो कबड्डी खेलने गई है ना। That's it. कहाँ है कबड्डी ग्राउंड? वो जी, आवाज में टेंशन क्यों है? वो मीरा कबड्डी खेलने गई है ना, तो कबड्डी प्लेयर तो कबड्डी खेलेगी ना, हॉकी थोड़ी ना खेलेगी। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी बहन मेरी बहन अमाया को अपने साथ लेके गई। एंड हाउ डेयर शी, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को अपने साथ लेके जाने की? कबड्डी ग्राउंड कहाँ है? Where is it? क्यों, आपने भी खेलना है? Shut up! जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ कबड्डी ग्राउंड कहाँ है? पास में ही मिलेगी, चलता हूँ ना आपको, चलिए। सर, मैं मानती हूँ कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कबड्डी से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। मैं कबड्डी प्लेयर हूँ और हमेशा रहूंगी, कबड्डी खेलना कभी नहीं छोड़ूंगी। कहने और करने में बहुत फर्क होता है मीरा। वो कहते हैं ना कि दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता ही है, और मुझे अपनी टीम में ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो अपना पूरा ध्यान इस खेल पर लगाए, ना कि अपनी शादी की तैयारियों में। मैं नहीं कहता कि शादी जरूरी नहीं है, शादी तो एक ऐसा सपना है जो हर माँ बाप अपनी आंखों में अपनी बच्चियों के लिए संजोता है, पर उससे भी बड़ा एक सपना होता है जो हर इंसान अपने लिए देखता है। मैं अपनी टीम में हर उस खिलाड़ी को चाहता हूं जो अपने उस सपने को सबसे आगे रखे।
तुम तो इस खेल में अपना जी जान लगाने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर तुम्हारे होने वाले पति को तुम्हारा ये खेल पसंद नहीं आया तो? नहीं जी सर जी, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय हुआ है उसे इस बात से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना भरोसा है उस पे? हाँ जी सर जी, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और बचपन में वो भी कबड्डी खेलता था, इसलिए उसको इस खेल की बहुत कद्र है। आप बिल्कुल चिंता ना करिए सर जी, हम सब मिलकर इतनी कड़ी मेहनत करेंगे कि ट्रॉफी जीतकर आपका, डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का सबका नाम रोशन करेंगे। यस सर। 10 दिन के बाद क्वालिफाइंग मैच और कबड्डी टूर्नामेंट भी हम ही जीत के दिखाएंगे। यस सर। कबड्डी 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 शाबाश। चलो गर्ल्स, अब तुम लोग कंटिन्यू करो, मीरा तुम्हारा टर्न है, मैं भी आता हूँ। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। मीरा, जीजा जी तो बड़े हैंडसम हैं। किधर जीजा जी? हाँ, और स्मार्ट और डेयरिंग भी। लगता है जीजा जी को कबड्डी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों जीजा जी? Excuse me. क्या कहा आपने? मैंने कहा जीजा जी। Oh my God. विवान कपूर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन? तुझे नहीं पता विवान कपूर कौन है? वो पीपीटी वाला। पीपीटी? पीपीटी? What the hell is पीपीटी? क्या मतलब पीपीटी वाला? और कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पे? Look at me. सॉरी दी, मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी पर ये बिना ब्रेक के इंजन की तरह सीधा यहाँ आ गया। मुझे तो दिखाई नहीं देता पर तुम्हें तो दिखता है ना, तो ये इतना बड़ा ग्राउंड दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कहां से आ गए मुंह उठा के। क्या क्या हुआ? क्या है? क्या कर क्या रही हो? क्या कह रही थी? और ऐसे देख क्यों रही थी ये लड़कियां मुझे? जिसे आज से पहले कोई अच्छे कपड़े पहने वाला ढंग का कोई लड़का ना दिखाऊं? नहीं नहीं, ढंगे बिढंगे लड़के तो बथेरे देखे हैं उन्होंने, पर ऐसा सूटेड बूटेड विलायती नमूना ना, वो रोज रोज देखने को नहीं मिलता। What is विलायती नमूना? तुम्हारे लंदन का तो पता नहीं, पर हमारे होशियारपुर में कबड्डी ग्राउंड में एक सूटेड बूटेड बंदा ब्रेक फेल इंजन की तरह
आ जाए और क्वालिफाइंग मैच के लिए हो रही प्रैक्टिस का बेड़ा गर्क कर देना, तो पंजाबी में हम उससे विलायती नमूना ही कहते हैं। अपनी बकवास बंद करो, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बताओ अमाया कहाँ है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी बहन है, तुम्हें पता होना चाहिए। वो ही पता करने आया हूँ। उस समय तुम्हारे साथ थी ना? हाँ थी, पर और मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बहन से दूर रहो। उसे अच्छे से याद है, और मैंने उसको वही बोला कि अब हम दोस्त नहीं रह सकते। बेचारी को बहुत बुरा लगा, पर क्या करे, तुम्हारे जैसा भाई हो तो कुछ तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। अपने बकवास से टॉन्ट मारने बंद करो। तुम्हारी छोटी बहन ने मुझे सुबह बताया, तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि आई एम श्योर तुम अमाया को अपनी ये स्टूपिड सी यूज़लेस गेम खेल ले। मेरी गेम को यूज़लेस मत कहो, समझे? और बात रही अमाया की, तो मुझे भी उसकी फिक्र है। कहां गई होगी अमाया, कहां हो सकती है? मिल गई अमाया। कहाँ है? बाबा जी के पास मत्था टेकने गुरुद्वारे गई होगी। बाबा जी के पास क्यों? क्योंकि मैंने उसको सलाह दी थी कि तुम्हारी सद्बुद्धि के लिए ना बाबा जी से जाके दुआ मांगे, तो गई होगी किसी गुरुद्वारे में मत्था टेकने। गुरुद्वारे? हाँ, तुम्हारे जैसा भाई मिला है, अब किसी और से ना सही, भगवान से तो अपना दुख बांट ही सकती है ना बेचारी। रुको रुको, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, स्टे देयर। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, पर तुम्हें पता भी है यहाँ पे गुरुद्वारे और मंदिर है कहाँ पे। अपना मुंह बंद रखो, अपना स्टूपिड यूज़लेस गेम खेलो और मेरे से और मेरी बहन से दूर रहो। मेरी गेम को ना यूज़लेस मत बोलो, साथ वाले गुरुद्वारे में चेक कर लेना जो दो गली दूर है, और उसके सामने मंदिर भी है, वहां भी देख लेना। बेचारी अमाया, इस सड़ू की फिर सड़ी सड़ी बातें सुननी पड़ेगी उसको। पहला ब्याह है ना, समझ नहीं आ रहा है किसको बुलाऊं किसको नहीं। बीजी पुत्र, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है दिल पे, जितने संभाले जाए ना बस उतने लोगों को बुलाओ। लोगों का क्या है, आएंगे खा पी के जाएंगे, फिर भी ना 36 नुक्स निकालेंगे। और ये अच्छा नहीं था, वो बुरा था। ये तो है पुत्र, अपनी कुड़ी को जो लेना देना है ना उसके बारे में सोचो। ये बात आपने सही कही बीजी, लेकिन ये सुमीर के घर वालों ने 1.5 महीने में शादी मांग ली, अब इतने कम समय में ये सब कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अपनी मंशा अच्छी रखो और रब पे भरोसा रखो, सब ठीक होना है। क्या हाल बना रखा है घर का, और जल्दी जल्दी साफ करो यार। वो क्या हो गया तेरे को, घर में घुसते स्वच्छता अभियान क्यों शुरू कर दिया तूने? ओ बीजी, आपके सवालों का जवाब है ना बाद में दूंगा। अरे क्या हुआ जी? वो पीछे रखो। अरे क्यों? यार जो कह रहा हूँ वो करो फटाफट। अरे सारे कपड़े साथ में मिला दिए, दूल्हे के कपड़े गंदे कपड़ों में। वेलकम है जी, वेलकम है। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है जी? अच्छे, आप कैसे हैं? बस ठीक एकदम। वाह जी वाह। नमस्ते बीजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते जी। वो आप अचानक कैसे? ओ भाई, अचानक का क्या मतलब है, उनका अपना घर है, जब मर्जी आ सकते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, लगे आओ, आ जाओ जी, बैठो। थैंक यू। कौन आया? बैठो जी, बैठो। थैंक यू। हाय रब्बा जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं जी? हाँ अचानक। ओ भाई जरा पानी वानी का इंतजाम कराओ। हाँ जी, मैं पानी लेकर आती हूँ जी आपके लिए। वैसे तो जी कोई बात नहीं, पर खबर कर देते तो घर ठीक ठाक कर लेते, ऐसे ही खलेरा पड़ा रहता है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ बीजी, माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे कि हम ऐसे ही बिना बताए अचानक से चले आए। पर क्या करें जी, आना पड़ा। दरअसल बात ही ऐसी है कि हम फोन पर नहीं, आमने सामने बैठ कर आपसे करना चाहते हैं। ओ जी सब ठीक है ना? नहीं जी, मेरे कहने का मतलब है हमसे कोई गलती या मीरा से कोई गलती तो नहीं हुई? ओ नहीं नहीं बिट्टू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जी आप लोगों को कुछ बताने आए हैं। बताने आए? तो हमने ये फैसला किया है कि। कैसा फैसला बताइए? बात ये है कि सुमैन ना वो पिछले बहुत दिनों से एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी के साथ बिजनेस डील करना चाहता था। और जी माता रानी की कृपा से वो डील कल ही फाइनल हुई है जी। ओ जी भाई साहब, बहुत ही बढ़िया।
हमारी मीरा आपके सुमेर के लिए बहुत ही लक्की साबित हुई है। वो तो है पर जी, पर मतलब कोई प्रॉब्लम है जी? प्रॉब्लम ही समझो, वो बात यह है कि सुमेर को उस डील के लिए 2 साल तक अमेरिका में ही रहना होगा। सुमेर को अगले 15 दिनों के अंदर अंदर ही निकलना होगा। तो हमने ये फैसला किया है कि बाबा जी, पता नहीं कल से आप मुझे क्या क्या दिखा रहे हो, बहुत हो गया। प्लीज अब कोई और शौक मत देना। तो आप चुप क्यों हैं? बताइए आपका क्या फैसला है? हमने ये फैसला किया है कि मीरा और सुमेर की शादी अगले 10 दिनों के अंदर अंदर ही हो जानी चाहिए। दिन में शादी नहीं, 10 दिन में तो क्वालिफाइंग मैच भी है।